आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पिनाहट कस्बे में चंबल नदी उत्सेद घाट पर पीपों के पुल का निर्माण नहीं किया गया है। पीपों का पुल नहीं बनने से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता को नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पिनाहट चंबल नदी उसेद घाट से बड़ी संख्या में जनता इधर से उधर जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की जनता हर रोज बड़ी संख्या में चंबल नदी को पार करती है। चंबल नदी को पार करने का एकमात्र साधन पीपो का पुल है। पीपो के पुल से लोग आवागमन करते हैं, लेकिन पीपो का पुल नहीं बन पाया, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर पर लोग पीपो का पुल का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पीपो का पुल नहीं होता है तब नौका का सहारा लिया जाता है। नौका में बड़ी संख्या में लोग सवार हो जाते हैं, जिससे हादसा भी हो जाता है। कई लोग अपने दोपहिया वाहन भी नौका पर रखकर लाते हैं। लोगों का कहना है कि पीपो का पुल अभी तक नहीं बनाया गया है, काफी समय निकल चुका है, तो हार नजदीक है, आवागमन और बढ़ेगा। ऐसे में पीपो का पुल बनाना बेहद जरूरी है और जल्द ही पीपो का पुल बनाया जाना चाहिए। समस्या यहाँ पे ये चंबल जो घाट है, उसेद घाट, यहाँ पे पुल बनना था, लेकिन पानी बढ़ने की वजह से अब ये नहीं बन पा रहा है। कितने अक्टूबर से चालू हो जाता था? 15 अक्टूबर से चालू हो जाता है। अच्छा, इस बार 7 दिन भी इतने के बाद काम शुरू नहीं हुआ? नहीं, इस बार क्या पानी बढ़ जाने से सारी समस्याएं खड़ी हो गई। पुल बनना था, लेकिन बनते बनते बीच में पानी बढ़ गया। तो कितने गाँव के लोग यहाँ से, मतलब यहाँ पे कम से कम 150 गाँव के लोग आते जाते हैं और सभी के लिए समस्या है यहाँ पे। आप अभी किस इस समय किसके द्वारा नदी पार कर रहे हैं? अभी जो स्टीमर है उसी के द्वारा आवागमन चालू। दरअसल पिछले दिनों चंबल नदी में बाढ़ आई, जिसके चलते पीपो का पुल बह गया था। चंबल नदी का पानी उतर चुका है, काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पीपो का पुल नहीं बनाया गया। इस कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सिंचाई विभाग को इस तरफ ध्यान देना होगा। जनता चाहती है कि जनप्रतिनिधि हस्तक्षेप करें, जिससे पीपो के पुल का जल्द से जल्द निर्माण हो सके और लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पिनाहट से अपने साथी नीरज परियार के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।